अब देखिएगा, अब वाले वाले रहना बहुत अच्छा है, साथ ही साथ अच्छे के साथ बुरा भी होता है, वस्तु के साथ छाया भी रहती है, जहां प्रकाश है जरा छावा भी रहता है, दीप है ज्ञान देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, ज्योति है, मगर चिराग तले अंधेरा, उसके नीचे भी कुछ अंधेरा तो होता, उसके नीचे ही रहता ना जो ज्ञान देने वाला है, उसमें भी कुछ कच्चाइयां होती हैं, कमियां होती है, किसी प्रकार का अज्ञान होता है, वो भी विज्ञों के पास जाने की जरूरत पड़ती है। तो दीप का अर्थ होता है प्रकाश देना, अज्ञान को हटाना, ये भी दीप के समान है, ज्योतिष भी दीप है ना, ज्योति है ना, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम से गंगा बहाती चलो, बस सबका भला चाहिए, एक दीप से दूसरा दीप, ज्योतिष शास्त्र का, सामुद्रिक शास्त्र का, दरवाजा टक टका कर घर घर सुलाइए, जाकर नहीं मेरा कहना कि इतना विस्तृत प्रचार किया जाए इन शास्त्रों का कि सर्वे सर्व दीवान दीवारों पर बुरे नारे लिखना नहीं, बुरे विषयों को लिखना नहीं, दीवारों को कंगाल बेकार गलीज करना नहीं है, सब वाक्यों से, शिष्ट बातों से, ज्योतिषादी विषयों से बस लिखते जाइए, समझेगा पढ़ेगा ठीक है, उसे भला बन जाएगा, प्रचार करते जाइए, मैं जो जानता हूं बताने का प्रयत्न कीजिए, आप कुछ जान सकते हैं, आप जो जानते हैं दूसरों को बताइए, दूसरे से दूसरे को, ऐसा ईच वन टीच वन, एवरीवन नोज द नॉलेज, एवरीवन विल हैव सोन टैलेंट, शास्त्र को हर कोई समझ सकते, ईच वन टीच वन, सामुद्रिक शास्त्र मैं जो जानता हूं मैंने पढ़ाया, आपने भी पढ़ा ना, आपको कुछ ज्ञान तो प्राप्त हुआ ना, थोड़ा ही सही, बस उस ज्ञान को दूसरे से बांट लीजिए, दूसरे को बताइए, वो व्यक्ति दूसरे को बताइए, प्रचार क्या होता है, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति, प्रचार कीजिएगा, मुझे आज पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा काम है बुरा काम है, अच्छी तिथि है बुरी तिथि है, दशमी है पंचमी है अष्टमी है नवमी है, आज ज्योतिष के बारे में तो घर घर के लोग जानते हैं, ब्राह्मण के पास जाकर पूछने की कोई जरूरत नहीं, ज्योतिष से उनके पास जाने की जरूरत नहीं, ये छोटी छोटी चीजों को सब जानते, अरे छोटी चीजें क्या, बड़ी बड़ी चीजें भी बताइए और कहीं नहीं जाएगा, स्वयं अपने हाथ को पढ़कर अपने भाग्य की रचना आप कर लेगा और अपनी शांति आप कर लेगा, अपने जीवन को भव्य बना लेगा, दिव्य बना लेगा, इत्मीनान से रहिए, पढ़िए सुनिए कहिए, सभी को भोगभागी बनाइए, भगवान के मंगलाशासन उनके साथ हुआ चाहिए हमें, बस उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे ठीक है। वरे की बात हो गई है, अब देखिएगा यवरेखा, ये यवरेखा कहीं भी हो एकदम दुष्परिणाम, एकदम दुष्ट रेखा है, यवरेखा के बारे में बड़ी जागरूकता बार 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 पुनः पुनः शनै शनै वारंवार वार वार बारंबार कह रहा हूं, ये उल्ट होता है यव नहीं हो सकता है, वरे अगर दोनों कोने नोक होकर एक साथ मिलते हैं इसको ही यव रेखा कहना, धान्य कार्य होना, ये धान्य विशेष की बात है, यव जिसको हम आईलाइन मार्क कहते हैं, आईलाइन चिन्ह कहते हैं, आईलाइंस आईलाइन, अगर शरीर रेखा में दिखाई पड़े या तो ऑपरेशन नहीं तो घायल होना, एकदम बस के नीचे दब जाता है वो, उतने दुष्ट रेखा है वो, पीड़ित होना, शास्त्रहीन होना, लंबी रेखा से किसी को शास्त्र ज्ञान आता है को दुरुपयोग करना, और ऐसे व्यक्तियों को देह शुद्धि भी होती है
उन पर मारपीट भी हो सकती है, तो यह वह रेखा उतनी बुरी रेखा है, उतना बुरा चिन्ह है। इसके बारे में बाबर बुरा जितना कम कहेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए बुरा का फल सुनाना, किसी को डराना, ये मेरा अर्थ नहीं है। शास्त्र को थोड़ा थोड़ा जहां तक मैं जानता हूं, जो अल्पज्ञ हूं, मेरे ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मगर दुष्ट जातक के विषय में, दुष्ट चिन्हों के बारे में बार बार कहते जा रहा हूं, इसलिए क्षमा कीजिए, बुरा मत समझिए। शास्त्र का ज्ञान देने के लिए मैं बता रहा हूं, मगर बुराई को बार बार कहने की इच्छा तो मुझे कभी नहीं रहती है। वो शास्त्र ज्ञान जो देने की आवश्यकता है, जिस सामने जो रेखा है, तो उसका तो फल सुनाना, क्योंकि फल तो प्रवचन करने की आवश्यकता आपको भी आ सकती है ना। तो वैसे अवकाश के लिए देखिए, दुष्ट जातक के बारे में, दुष्ट चिन्हों के बारे में जितना कहेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसलिए मित्रों, ये वह रेखा किसी भी स्थान में क्यों ना हो, चाहे गुरु के स्थान में, चाहे शनि के स्थान में, चाहे अन्य ग्रहों के पर्वतों में भी, पीठों में भी क्यों ना हो, वो अच्छा चिन्ह नहीं है। एकदम 100% वो दुष्ट चिन्ह है। दुष्ट ही नहीं, दुष्टात दुष्ट, दुगुना दुर्भाग्य प्रदान करने वाला और एक दुष्ट चिन्ह है ग्रीन, जिसको चतुरंग पाणी कहते हैं, जाली कहते हैं। यद्यपि मैंने कहा, फिर भी विज्ञान को बढ़ाने के लिए, भूल भ्रम न होने के लिए बार बार यही कह रहा हूं, बंधु दोहरा रहा हूं, एक ही विषय को बार बार कह रहा हूं। कदापि मत समझिए कि ग्रिल ऐसा होता है, तीन आड़ी रेखाएं चार खड़ी रेखाएं, ये मात्र ही ग्रिल है, या चार आड़ी रेखाएं और तीन खड़ी रेखाएं, ये भी ग्रिल है। तो ऐसे ग्रिल अगर हो तो केवल प्रमादों में फंसना ही नहीं, आपरेशनों की दुर्गति ही नहीं होती, जो उनको शास्त्र ज्ञान है, धन मद है, आयु का कहने आयु से अगर गर्वीला है तो उनको बिठा कर, हटा कर, नष्ट प्रदान कर, यहां तक कि एक शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग होने के कारण दंड, बहुत बड़ा दंड ऐसे लोगों को दिया जाता है। ये वो रेखा उनके बारे में, ग्रह के बारे में जितना कम कहेंगे उतना अच्छा होगा। अगर किसी के हाथ में ऐसी रेखाएं आप देखते हैं, कृपया आपसे प्रार्थना है, मेरा निवेदन, नम्र निवेदन समझिए कि बुरा फल उसे मत सुनाइए, डराइए मत। अगर हो सकता है अभय भाषा में उनके लिए रेमेडीज बताइए। क्यों ये रेमेडी बताए, दुष्ट फल दुष्ट चिन्हों के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं, रेमेडी बताते जाइए। जैसे कहेंगे उसका उसके अनुरूप तो चलने वाला जातक होता है ना, वो नहीं जानता ना, वो नहीं जानता है। मैं एक ही ऐसा व्यक्ति हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं करके जैसे चाहे वैसे बोलेंगे, नहीं एकदम बेबाकी से ऐसा काम कृपया कीजिए मत। तो ग्रह एक अच्छा चिन्ह नहीं, ग्रिल जितना बुरा है, यह वह चिन्ह जितना बुरा है, मैं भी कम नहीं हूं कहने वाला बुरा चिन्ह है तिल। तिल किसको कहते हैं, जन्म से लेकर जो धब्बा रहता है, काला हो, लाल हो या सफेद हो, उसको मात्र ही तिल कहते। बीच में अगर कोई आया समझिए तिल, हाँ बीच की कठिनाई ही आई, तिल मिल गया, कच्चा हट गया समझिए। जन्मजात अगर हो, जन्म से लेकर हो, तो उसका नष्ट आजीवन रहता है। जरा उसको दृष्टि में लेकर ही, उस पर दृष्टिपात करके ही, जागरूक रहकर ही, क्षमता से के साथ अपने कार्य को संभालते जाइए। धन के विषय में हो, आयु के विषय हो,
हर किसी जागरूकता लेने की आवश्यकता, सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जितना बुरा यवर लिखा है, जितना बुरा बिल है, उतना बुरा चिन्ह तो नहीं कह रहा हूं, मगर ये तिल, काले तिल मुख्य रूप से बुरे चिन्ह होते। लाल रुद्रस का होता है, रौद्राकार का होता है, रौद्र भाव रहता है उसमें, जरा जरा कम, बहुत जोश में आने की कोई जरूरत नहीं, जरा ठंडा रहने के लिए कहिए, कूल बिहेवियर रहने के लिए कहिएगा, सुधर जाएगा। भाग्य के रचना तो हम अपने आप कर लेते हैं। इसलिए तिलचिन, यवचिन, ग्रिल और आड़ी रेखाएं गुणक चिन्ह ठीक नहीं है। अब देखिए चंद्र का चिन्ह, चंद्र का चिन्ह होता है अर्ध वलय। कहिए उसका चंद्र को चिन्ह या अर्ध वलय का चिन्ह, इसको अर्ध वलय मत कहिए भैया, इसको अर्ध वलय नहीं कहना चाहिए। अगर बीच पर्वत में हो तो कह रहा हूं मैं, तो ये है अर्ध वलय, ये चंद्र चिन्ह होता है, या ये चिन्ह ऐसा भी रह सकता है, इतना पूर्ण इसको यवरेखा नहीं कह सकते हैं, या ये वो चिन्ह नहीं बोल सकते, वो बुरा नहीं करेगा, शास्त्र ज्ञान देगा, कलाभिमान देगा। अगर पर्वत की स्थाई अनुपातों में खाई जैसी हो तो काफी नष्ट प्रदाता चिन्ह भी है, ये प्रदान करने वाला भी है, काफी नुकसान भी करता है। किसी बुरी रेखा के प्रकटन करने के पहले, उसके प्रवचन कहने के पहले ग्रह के समपातों पर दृष्टि करके ही बुरे के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। समपात में है तो यही चिन्ह भला करेगा, गड्ढा जैसा है, खाई जैसा दिखाई पड़े, नीच स्थान में दिखाई पड़े, उन्नत होता है, यानी बहुत कठिनाइयां पहुंचाती है, दुष्परिणाम रहते। ऊपर एकदम पर्वत जैसे दिखाई पड़े, गुरु पर्वत से भी अगर ऊंचा दिखाई पड़े, धन रहता है, धन का मद, धन का गर्व होता है। आयु वृद्ध है, मैं बड़े आयु वाला हूं, इसका गर्व थोड़ा होता है, यानी भले के बजाय अति ऊंचा हो तो अति, सामान्य हो थोड़ा ही डरवा हो तो बेति, खाई जैसा हो तो क्षति। इन तीनों अनुपातों को देखकर, रेखाओं को देखकर, जातकत्व को देखकर, परिणामों को समझकर प्रवचन करते रहना चाहिए। इतने विषयों को ध्यान में रखने की जरूरत है और उतने विषयों के ज्ञाता बनकर प्रवचन कीजिएगा, एकदम देर नहीं कर। अरे भाई पैर के अंगूठे को कुछ धक्का लगा या कुछ घायल हो गए, नाखून को चोट लगी है, हम आंखों से बताने की कोई जरूरत नहीं, घायल हो गए कुछ पीड़ा हुई यूं देखते हैं, आंखें जाकर दिमाग तक नहीं ले जाते हैं, दिमाग कर ले जाते हैं, दिमाग कहता है हाथों से जाकर जरा उस पर लेपन करो, करके तुरंत हाथ जाते हैं, जरा झुकते हैं, लेपन करते हैं। क्या इतने परिणामों को कहने की जरूरत है, इतने कहने की कोई आवश्यकता है, चोट लगी झुक जाते हैं, मर जाते हैं, कितनी जल्दी काम हो गया देखिएगा, त्वरित गति से काम होते जाते हैं। भाग्य प्रवचन में भी समय मत लीजिए, बस रेखा को देखते कथन को कथन करते जाइए कि एक अनुभवी शास्त्र के बन जाएंगे, काफी ऊंचे उठ जाएंगे। बंधु, शनि के लक्षण, शनि के कारक, शनि पर्वत में आने वाले चिन्ह, गुणगण आदि सभी के विषय में पता चल गया। आकार प्रकार की दृष्टि से देखे जाए तो यू व्यक्ति को देखते ही पता चलता है कि शनि जातक ही करके, दुबले पतले, हिलते हुए बॉल,
छोटा माथा लंबा मुंह सुग्रीव और एकदम लंबा गर्दन लटकते हुए लंबे हाथ लटकते हुए दो टांग चलते समय ऐसा मालूम पड़ता है ऐसा ज्ञात होता है कि मानो एक छड़ी चल रही है एकदम दुबले पतले। स्वभाव से देखिएगा उन्नत स्वभाव भी है ढलवा हो तो एकदम नीच स्वभाव। अब चलिए हम रवि पर्वत की ओर चलिए।